नमस्कार, टीएफपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और अब पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान के नाम पर हो रही हिंसा से पूरी दुनिया स्तब्ध है। शहरों को जलाया जा रहा है, जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों ने यूरोप में इस्लाम पर एक नई बहस को जन्म दिया है। आपने इतिहास में यूरोप के पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा होगा। इस पुनर्जागरण के बाद धर्म समाज के केंद्र में नहीं रहा था। ऐसे में जब धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी देश यहूदियों और ईसाइयों पर तंज कसते थे तो इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, मगर इस्लाम के मामले में ऐसा नहीं है। इस्लाम की कट्टर व्याख्या करने वाले चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हमलों से पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। इस्लाम की कट्टरवादी और उदारवादी व्याख्या करने वालों के बीच हिंसा का जो सिलसिला चल पड़ा है वही अब यूरोप की सड़कों पर उतर आया है। आज का नाम है शार्ली एब्डो का। शार्ली एब्डो के संपादक समाचार एजेंसी एपी को दिए गए अपने आधिकारिक बयान में कहते हैं, हमारी ड्राइंग्स पर अगर मुसलमानों को हंसी नहीं आती तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैं फ्रांसीसी कानून के राज में रहता हूं, मैं कुरान के कानून के तहत नहीं रहता। आप कहेंगे इसकी प्रासंगिकता क्या है? दरअसल स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन और नॉर्वे में स्थानीय लोगों और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच हुई हिंसा के बाद अब यूरोप स्थित फ्रांस की व्यंग पत्रिका शार्ली एब्डो ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया है। ये वही कार्टून हैं जिनके कारण साल 2015 में वो खतरनाक चरमपंथी हमले का निशाना बनी थी। इन कार्टूनों को ऐसे वक्त में दोबारा छापा गया है जब पिछली घटना के आरोपियों पर पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। मतलब ये हुआ कि 7 जनवरी 2015 को शार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमला करने वालों की मदद करने के आरोप में 14 लोगों पर मुकदमा शुरू होने वाला है। 2015 में हुए इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में को एडिटर स्टीफन चार्वोनियर, 4 कार्टूनिस्ट, 2 स्तंभकार, 1 कॉपी एडिटर, 1 केयरटेकर और 1 मेहमान की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में पत्रिका के संपादक के बॉडीगार्ड और 1 पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी गई थी। और कुछ दिन बाद पेरिस में इसी से जुड़े एक अन्य हमले में 5 अन्य लोगों की जान चली गई। ये सब यहीं नहीं रुका, बल्कि इन हमलों के बाद फ्रांस में चरमपंथी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब शार्ली एब्डो के ताज़ा संस्करण के कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद के 12 कार्टून फिर से छापे गए। ये वही कार्टून हैं जिन्हें शार्ली एब्डो में प्रकाशित होने से पहले डेनमार्क के एक अखबार ने छापा था। इनमें से एक कार्टून में पैगंबर को सिर पर बम बांधे दिखाया गया है। साथ में फ्रेंच भाषा में एक हेडलाइन लिखी है जिसके मानी है, वो सब कुछ इसके लिए ही था। मैगजीन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि 2015 के हमले के बाद से ही उससे पाठकों द्वारा ये लगातार कहा जा रहा था कि वह पैगंबर पर व्यंग चित्र छापना जारी रखे। हालांकि हमने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए नहीं कि इस पर प्रतिबंध था। कानून हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है, मगर ऐसा करने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए थी, ऐसी वजह जिसका कोई अर्थ हो, जिससे एक बहस पैदा हो। और अब उन्हें वजह मिल गई। वो बताते हैं कि इन कार्टूनों को जनवरी 2015 के हमलों पर सुनवाई शुरू होने वाले हफ्ते में हमें छापना ज़रूरी लगा। ये मुकदमा शार्ली एब्डो पत्रिका के पेरिस वाले दफ्तरों पर हमला करने वाले लोगों के लिए हथियार जुटाने और उनकी मदद करने के अलावा यहूदी सुपरमार्केट और 1 पुलिसकर्मी पर हमला करने में मदद करने वाले आरोपियों पर चलने वाला है, जबकि 3 लोगों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि वे उत्तरी सीरिया या इराक भाग गए। फ्रांस की प्रसारक संस्था RFI के मुताबिक 200 याचिकाकर्ता और हमले में जो लोग बच गए थे वो इस मुकदमे के दौरान गवाही दे सकते हैं। इस मुकदमे को मार्च में शुरू होना था, मगर कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। माना जा रहा है कि सुनवाई नवंबर तक चलेगी। 2015 के हमलों के बाद लाखों लोग शार्ली एब्डो के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे और #JCUSCHARLIE यानी मैं चार्ली हूँ का नारा पूरी दुनिया में छा गया था। पर यह देखना दिलचस्प है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडे बरदार इस मामले में या तो चुप्पी बनाए हुए हैं या अपने समर्थकों के नाराज होने की आशंका के चलते इसे ज़्यादती साबित करने में जुटे हुए हैं।